हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चनास विलेज किचन में। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ स्वीट यानी मिठाई की रेसिपी, जो बहुत ही कम खर्चे में और आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका स्वाद बाज़ार की मिठाई से भी बढ़िया होगा। इस मिठाई को आने वाले त्योहारों में या फिर इस दिवाली या फिर जब भी खाने का मन हो आप बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जिसको कोकोनट का बुरादा बोलते हैं या फिर नारियल का बुरादा कहिए, मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिया हुआ है। और इसे अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें हम इसे डाल देंगे और इसको हमें हल्का सा भूनना है इसे, और आँच कम करके ही भुनेंगे, इसे घी के साथ नहीं भुनना है, इसे ऐसे ही भुनना है। और इसे हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे, क्योंकि आँच तेज करेंगे आप और धीरे धीरे चलाएंगे तो नीचे से जलने का डर रहेगा। और इस तरह से इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे भुनना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नारियल का बुरादा जो है हमारा भुन चुका है। तो अब हम इसमें सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी पीसी हुई चीनी हम इसमें डाल देंगे। आप भी घर पे या चीनी पीस के इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप घर चीनी का जो पाउडर आता है उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भुनने के बाद इसमें उसी कटोरी से हम फिर 2 कटोरी फुल क्रीम दूध डालेंगे, या फिर जो भी आपके घर में दूध हो उसे आप डाल सकते हैं। और इस दूध को डालने के बाद इसे हम सारे चीज़ों को मिला के अच्छी तरह से चलाएंगे इस तरह से, और चलाते हुए ही हमें इसे बनाना, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो जलने लगेगी। और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची के दाने, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसे कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे, और क्योंकि इसे हमें चलाते हुए इसे भुनना है और पकाना है। और इस तरह से देखिए अभी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है नीचे से। अब हम इसमें डालते हैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डालेंगे, और घी को डाल के इसमें अच्छे से मिला देंगे। घी डालने से इसकी खुशबू और इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और इन सारी चीज़ों को भुनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, आपको जो फूड कलर के साथ बनाना हो, जो पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। और फूड कलर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो हमने बनाए थे मिठाई के लिए बैटर, देखिए सब सूख चुका है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इस मिठाई को बैटर को निकाल लेंगे एक बर्तन में, और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना करना है कि हाथ पे लेके आप इसे बना सकें। और इसे अब हम जो आप मिठाई का शेप पसंद करते हो उस शेप में आप इसे बना सकते हैं, मैं इस शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मिठाई एक हमारी बनके तैयार हो गई है। और इसे बनाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसके ऊपर से इसमें डाल के इसे कोट कर देंगे, और इसे अब हम एक प्लेट में रख देंगे। तो देख सकते हैं मिठाई कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। और इसी तरह से हम आपको दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना है, बस हाथ पे इसे लीजिए और गोल कीजिए। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लड्डू भी इसके बहुत टेस्टी लगते हैं। बस शेप अलग अलग शेप में आपको करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ये मिठाई बहुत जल्दी और बहुत सस्ती मिठाई है दोस्तों, और इसका स्वाद तो अगर आपने एक बार बना लिया तो बाज़ार की मिठाई आप लाना भूल जाएंगे। इस मिठाई के आगे सारी मिठाई फेल हो जाएगी। इस मिठाई को अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगेगी। तो दोस्तों बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखा दी कितनी नरम और मुलायम बनी है हमारी मिठाई, और मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और यदि चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल बटन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।